गुड मॉर्निंग क्लास। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टडी करते हैं। इसमें आर सिंह एंड कंपनी की हमें जीएसटी के साथ इसमें जनरल एंट्रीज दे रखी हैं। जीएसटी आप लोगों को मैंने समझाया था कि अगर परचेज हो रही है तो इनपुट, अगर सेल हो रही है तो आउटपुट, आउटपुट क्रेडिट में, क्योंकि सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, परचेज हमारी डेबिट होती है, और जस्ट रिटर्न होता है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब फर्स्ट एंट्री है 1 जुलाई 2019 का, इसमें दे रखा है बैलेंस, तो इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है हमें। बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, अमाउंट है 80,000, देन कैश पे करा बैंक को 50,000 का, परचेज करी स्टेशनरी 300 की, जिसमें प्लस CGST एंड SGST है 6% से, फिर परचेज करे गुड 21,000 में, CGST SGST है 6% से, फिर सोल्ड करे गुड 7,000 से, जिसमें प्लस CGST एंड SGST 8% से, परचेज करा फर्नीचर, फिर CGST एंड SGST है बैनर्जी एंड ब्रदर्स पे, फिर नेक्स्ट एंट्री में सोल्ड करा गुड 8,000 का प्लस CGST एंड SGST, रिसीव करा चेक फ्रॉम महिंद्रा से, सोल्ड करे गुड 8,000 के, जिसमें CGST एंड SGST चार्ज करना है। इट मीन्स सब में ही CGST SGST हैं, बैलेंस दे रखे हैं सबके। अब फिर लास्ट एंट्री है, रमेश कंपनी पे करता है ऑन अकाउंट में बैलेंस 2,500 पे टू एस सेठ एंड ब्रदर्स बाई चेक, फुल सेटलमेंट हो रहा है। रेंट ड्यू एस शर्मा बट नॉट येट पेड, आउटस्टैंडिंग है। अब इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं कैसे जनरल एंट्रीज होंगी। जब बिजनेस आपकी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट है बिजनेस स्टार्ट हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 80,000 से ट्रांजैक्शन कर देंगे, देन कैश पे कर रहे हो बैंक में, बैंक अकाउंट अकाउंट एंट्री बन जाएगी, अकाउंट एंट्री पास कर देंगे, देन स्टेशनरी परचेज कर रहे हो तो परचेज करते हुए मैंने बताया था इनपुट डेबिट करेंगे, तो इनपुट परचेज आपका कितने से हो रहा है 300 से, 300 का 6% क्योंकि GST कितने चार्ज कर रहे हैं 6%, तो 300 × 6/100 तो इनपुट CGST एंड SGST आ जाएगी 1818, देन टू कैश ये आपका स्टेशनरी परचेज में हो गया, फिर परचेज गुड तो परचेज गुड में भी 6% से आपकी टू इनपुट CGST एंड इनपुट SGST वो 6% से लगा देंगे, देन सेल कैश सेल हो रही है तो सेल करते हुए हम आउटपुट करते हैं, टू सेल करते हुए टू आउटपुट CGST एंड SGST और 6% जितना भी परसेंटेज लग रहा होगा तो वो अमाउंट 84,000 × 6 हो जाएगा। फर्नीचर परचेज हुए हैं तो उस पर भी GST चार्ज हो रही है तो GST चार्ज कर देंगे, सिंपल एंट्री होती है। देन उसके बाद आपकी 11 जुलाई की है, महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट GST चार्ज कर देंगे, फिर देन कैश अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा अकाउंट क्योंकि रिसीव करा है आपने पैसे कैश में, तो कैश क्या आया आपके पास, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा अकाउंट टू महिंद्रा। फिर नेक्स्ट है आपने गुड सोल्ड करें, सेल करें गुड तो रमेश अकाउंट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल और टू आउटपुट, क्योंकि जब सेल होता है तो टू आउटपुट और परचेज होती है तो इनपुट। और ये चीज़ भी क्लियर हो गई थी, अगर SGST है और CGST है तो वो अपनी स्टेट के लिए हो रही है, बात IGST है तो वो इंटर स्टेट है, मीन्स UP से दिल्ली या हरियाणा, मतलब आउट ऑफ स्टेट। देन परचेज करा आपने गुड तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST, फिर कैश पे करा अकाउंट में रमेश एंड कंपनी तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी, कुछ जनरल एंट्रीज और रह गई हैं। पे जब करा आपने फुल अमाउंट तो कैश अकाउंट डेबिट किसे पे करा, किसने पे करा, रमेश एंड कंपनी टू रमेश एंड कंपनी, पे करा सेठ को, रिसीव करा डिस्काउंट, जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउ डेबिट होता है, ये चीज़ याद रखनी है, डिस्काउंट अलाउ डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, जब आपने डिस्काउंट रिसीव करा है मीन्स आपने डिस्काउंट दिया है।
तो जिस जो आपकी कंपनी का होल्डर नेम है उसका डेबिट हो जाएगा और बाकी सब क्रेडिट होगा। अगर चेक में हो रहा है तो बैंक, अदरवाइज कैश में है तो फिर टू कैश आता है। रेंट आउटस्टैंडिंग थे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है और जो लायबिलिटी होती है वो हमारी क्रेडिट होती है, जो एसेट होती है वो हमारी डेबिट होती है। क्योंकि हमें ये सारा अकाउंट जो जनरल बनता है वो तीन गोल्डन रूल जो मैंने आपको वाउचर चैप्टर से पहले जो क्लियर करा था, चैप्टर रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट समझाया था, तो वो उसके ऊपर ही हमारी जनरल एंट्री सारी बेस होती है, उन गोल्डन रूल के ऊपर ही। तो उसके थ्रू ही हम बनाते हैं जनरल एंट्री, उसके थ्रू ही पास होती है सारी जनरल एंट्री। सिंपल है, करके देखिए। अगर किसी जनरल एंट्री या किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आती है तो फिर इसे क्लास में आप क्वेरी टाइम के मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें बिजनेस स्टार्ट हो रहा है विद कैश 25,000, ओपन बैंक अकाउंट चेक, तो चेक की एंट्री है तो बैंक अकाउंट की बनेगी। फिर परचेज करा गुड फ्रॉम रमेश एंड कंपनी, इसमें CGST SGST सिंपल एंट्री है सारी। सोल्ड करा गुड, CGST रजिस्ट्री चार्ज हो रहा है। परचेज करे गुड फ्रॉम राहुल से, राहुल चेन्नई प्लस IGST, इसमें IGST चार्ज हो रहा है। पे करे वेजेस, GST नॉट लाइव, वेजेस करते हुए कोई GST नहीं लग रहा है। फिर सोल्ड करे गुड, सिंपल एंट्री बनेगी। GST चार्ज करने से कोई टिपिकल नहीं होता क्वेश्चन, जैसे जनरल एंट्री हम पास करते हैं बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री वैसे ही पास होती है। बस CGST अगर सेल में लग रही है तो उसे आउटपुट में शो करना पड़ता है GST को, और अगर हमारी परचेज में लग रही है तो इनपुट में शो करना पड़ता है GST को। बाकी सिंपल बनती है बस। जनरल एंट्री कुछ माइंड में आपको बेसिक जनरल एंट्री जैसे परचेज की, सेल्स की थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी, और अगर परचेज रिसीव हो रहा है तो आपको डेबिट करना होता है, और अगर रिटर्न कर रहे हैं वो परचेज को तो वो क्रेडिट में हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाती हैं ये सारी एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री आपको माइंड में सेट करनी होगी कि अगर कैश और बैंक दोनों ए आ रही है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, और वो किसके सिचुएशन में अप्लाई होनी है। तो ये या तो आप अपने एक कॉलम बना के लिख लीजिए साइड में जनरल बेसिक एंट्री, और उसे लर्न करिए। लास्ट की एंट्री देखते हैं, तो रिसीव कर चेक महेश, कुछ डिस्काउंट मिला है इसमें 1566। फिर राकेश डेली रिटर्न गुड्स 2000 एंड पे सैलरी फॉर अ मंथ 20,000। क्वेश्चन हमने देख लिया, स्टडी कर लिया, अब इसकी जनरल एंट्री हम पास करेंगे। कौन कौन सी जनरल एंट्री? सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले डेट डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की एंट्री पास होगी, अमाउंट लिख देंगे 25,000। आपने ओपन करा है बैंक अकाउंट, तो बैंक को क्या दिया होगा? कैश दिया होगा, तो कैश टू क्रेडिट हो जाएगा। बैंक ने आपका पैसा रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर आपने गुड परचेज करें तो गुड परचेज की परचेज अकाउंट डेबिट, और किसने दिए हैं पैसा, किसने दिया, किसने परचेज करें, रमेश एंड कंपनी ने, तो उसने पैसा दिया होगा तो वो कैरेट में चला जाएगा। इन परचेज करते हुए हमारी GST पास होती है, तो इनपुट CGST और SGST 54,000 का जितनी परसेंटेज से GST बोल रखा है उतना चार्ज कर देंगे, उतने अमाउंट से 6% से बोल रखा है। ये बीच को ब्रैकेट बन के ये नरेशन भी लिखी जाती हैं जो आपकी जनरल एंट्री जिसकी आप पास कर रहे हो। अब जैसे 3 जनवरी की जनरल एंट्री है, सोल कर गुड राजेश को, तो राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल, और आउटपुट में शो कर दोगे GST को। ऐसे जब परचेज करा गुड तुमने राहुल से, तो परचेज अकाउंट डेबिट और इनपुट IGST टू राहुल। फिर पे करे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अब सोल करें गुड महेश को, तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल, और फिर डिस्काउंट अलाउ, रिसीव करा चेक डिस्काउंट अलाउ, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ टू राजेश। पे करी रमेश एंड कंपनी को, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव आपका क्रेडिट हो जाएगा। रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट डाल दोगे 2700, 51,300, देन आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अदरवाइज़ दो अमाउंट दिए होते हैं तो हम दो अमाउंट ले लेते हैं, बाकी बीच में बैलेंसिंग फिगर करके जिसका अमाउंट नहीं निकला होता है वो फाइंड आउट कर देते हैं।
पे करा रेंट इन एडवांस, जब पे करा आपने रेंट, प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट आपकी क्या होती है, एसेट होती है, तो आपकी वो डेबिट हो जाएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। इसमें इनपुट आपकी जीएसटी जो चार्ज होगी वो इनपुट में होगी। परचेज की तरह है टू कैश, फिर आपने पे करे हैं कैश, एक्सपेंसेस के लिए कैश दिया है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ही राकेश ने सेल करी थी, गुड सेल करे थे राकेश, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल में आउटपुट एंड आउटपुट में शो करते हैं जीएसटी को, तो उसमें शो करेंगे। अब पे करे ऑफिस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पे करा राहुल को एंड डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। अब रिसीव करा चेक, जब डिस्काउंट अलाउ करा तो रिसीव करा चेक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू महेश। अब गुड्स रिटर्न बाई राकेश, अब गुड्स रिटर्न हुए हैं राकेश, तो मैंने बताई थी सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है, जब गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड देन इसमें आउटपुट शो करेंगे। अब पे कर रहे हो ऑफिस एक्सपेंसेस या सैलरी पे कर रहे हो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इधर ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जनरल। अब इसकी प्रैक्टिस करिए विद एग्जांपल, अगर कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी सेशन के टाइम क्वेरी पूछिए।